softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आकाश माही फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने मंगाया है रेफ्रिजरेटर 189 लीटर का। ये मुझे फ्लिपकार्ट पे पड़ा है 18,000 रुपया, और ये कैमेलिया पर्पल है। इसका प्राइस, रियल प्राइस है 24,999 रुपया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मुझे मिले अनबॉक्सिंग के थ्रू आया था, ओपन बॉक्स डिलीवरी के थ्रू। बस डिलीवरी भैया ने अनबॉक्सिंग किया नहीं, तो मैं खुद से अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ओपन बॉक्स डिलीवरी का, तो मैं खुद से अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। कभी भी आप लोग फ्रिज लेना, तो यहाँ पे एक देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है एक कट मार्क का। यहाँ पे एक लाइनिंग है, तो सिंपली आपको यहां से कट लगाना है। यहाँ पे देख सकते हो, आराम से कट हो। इसको सिंपली आपको अच्छे से हटा ले रहे हैं। मैं आपको पीछे से पहले दिखा देता हूं, ये इसका पीछे से व्यू है। और ये काफी मस्त कलर लगता है, अब देख सकते हो ये 5 स्टार के साथ है। और ये बहुत कम यूनिट पे उठता है, पर ईयर 131 यूनिट। ये सैमसंग का है, अब देख सकते हो 21 ईयर का इसका कंप्रेसर का गारंटी है। और ये इन्वर्टर से भी चल सकता है, 2 CFLL बल्ब के इतना। तो आपको चलिए अंदर से भी दिखाते हैं। ये इसका फर्स्ट व्यू है, और काफी मस्त लुक आता है। ये कुछ स्टिकर है, इसको हटाता हूं। ये इसका एक ट्रे है, और इसका इसके क्वालिटी की जो बात करें, काफी मस्त क्वालिटी है, प्रीमियम क्वालिटी लगता है। और इसके अंदर यहाँ पे LED लाइट है, जो आपको जलाकर भी दिखाएंगे। यहाँ पे कुछ स्टिकर है, पहले स्टिकर को हटा देते हैं। और मुझे इस प्राइस के रेंज में सैमसंग का मैंने पहले भी यूज किया है, तो काफी मस्त मुझे इसका रेफ्रिजरेटर लगता है। ये देख सकते हो, काफी सारा स्टिकर है सेफ्टी के लिए। और इसके अंदर एक और खासियत है, इसके अंदर ये थर्माकोल हटाएंगे, तो अभी आपको ये खोल कर भी दिखाएंगे कि इसके अंदर एक स्टोरेज है। पहले ये दिखा देते हैं आपको, इसके अंदर ये आइस ट्यूब ट्रे है, और ये इसका मैनुअल है, इसका मैनुअल है जिसका कोई काम नहीं है। इसमें एक की दिया हुआ है, जो कि एक ही दिया हुआ है, इसको दो देना चाहिए, जो कि एक गायब हो जाए तो फिर दूसरा यूज कर सके। चलिए कोई बात नहीं, अब चलिए फ्रिज को अपने किचन में सेट करके और चालू करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए इसका मैं स्विच ऑन करता हूँ। मैंने सेट कर दिया है, और काफ़ी मुशक्कत हुआ है इसको यहाँ पे लाने के लिए। मैं वहाँ पे अनबॉक्सिंग किया था, और यहाँ से इतना पतला में लाने के बाद यहाँ पे सेट मैंने किया है। तो चलिए स्विच को ऑन करते हैं। यहाँ पे स्विच को मैंने ऑन कर दिया है, और देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है। ये इसका फर्स्ट व्यू है, ये आप देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है, और काफी गुड लुकिंग है। और चलिए आपको इसका
सबसे फेवरेट मुझे पसंद आया इसका स्टोरेज दिखाता हूँ। यहाँ पे एक टेप लगा था जो कि ये खुले नहीं, तो देखिए यहाँ पे भी सैमसंग ने ब्रांडिंग किया हुआ है जो काफी मस्त लगता है, और ये आप देख सकते हो और काफी सारा स्टोरेज है, काफी स्टोरेज जिसमें आप आलू प्याज सब्जी वगैरह कुछ भी डाल सकते हो। आप देख सकते हो ये मस्त लग रहा है। तो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।